सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत करते हैं कॉर्नर वीडियो में। तो आज आपको बताने वाले हैं कुछ इस टाइप से प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कैसे करें, आप लोग को सिखाने वाले भी हैं कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग कैसे करें। आजकल लोग क्या करते हैं, थंबनेल दूसरा लगा लेते हैं एंड फोटो एडिटिंग दूसरा सिखाते हैं, ठीक है। तो आपका भाई लेकर आ गया बहुत ही तगड़ा फोटो एडिटिंग एंड आप लोग को कुछ इस टाइप से 100% रियल वर्किंग के तरफ सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बन रही है, सब कुछ अच्छे बताने वाले हैं एंड सिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है अपने ओरिजिनल पिक पे, कुछ इस टाइप से मेरा ओरिजिनल पिक है एंड आप लोग को सिखाने वाले हैं कुछ इस टाइप से एडिटिंग, ठीक है। और देखिए कितना प्रोफेशनल एडिटिंग लग रहा है। मैं फोटो अपना रिमनी कर चुका हूँ, आप लोग भी रिमनी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा फोटो ज़्यादा ब्लैक था, ठीक है। तो इस फोटो को मैं शेयर करता हूँ स्नैपफीड एप्लीकेशन के अंदर। तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्नैपफीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, भाई थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आप लोग को नीचे टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको नीचे टूल दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्टिव पे जाइएगा। सिलेक्टिव पे जाने के बाद आप लोग को जहाँ जहाँ ब्लैक दिखे वहाँ वहाँ क्लिक करके उसको ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद सही कर दीजिएगा। तो जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक दिखे अपने अपने फोटो में वहाँ वहाँ क्लिक करके और दोनों हाथ से जूम करके एंड वाइट कर लीजिएगा, ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बढ़ा लेता हूँ और मैं कुछ इस टाइप से बढ़ाता हूँ एंड आप लोग भी अपना फोटो पे कुछ इस टाइप से ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। और बढ़ाने के बाद क्या करना है, भाई लोग इस फोटो को शेयर करना है डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं शेयर करता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ऊपर शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, भाई लोग यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो सबसे ऊपर ही दिख रहा है मेरा, और इस पर क्लिक करने के बाद दो तीन बार उसके बाद लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे आप लोग। तो मिलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आप सभी से। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद ऊपर जो आल फोटो दिख रहा है यहाँ पे आप लोग के सामने, जो आल फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल पिक आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा अपने ओरिजिनल पिक पे। उसके बाद आपको एक प्रीसेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वो प्रीसेट है, ठीक है। तो ऊपर थ्री आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर जो थ्री आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा। कॉपी सेटिंग करने के बाद सही का निशान है, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ओरिजिनल पिक पे आ जाना है। ओरिजिनल पिक पे आने के बाद फिर ऊपर जाना है थ्री आइकॉन पे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेस्ट सेटिंग कर देना है, ठीक है। और कुछ ही टाइम में आपका फेस स्मूथ एंड प्रीसेट वर्क कर देगा। देखिए कितना औसम तरीके से कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इस फोटो को सेव कर लेना है। तो मैं सेव कर लेता हूँ इस फोटो को। सेव करने के बाद आप लोग को चले जाना है फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को क्रॉप करने। तो चलिए मैं सेव करके फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर आप सभी से मिलते हैं। तो ये मेरा फोटो रूम एप्लीकेशन है। उसके बाद आप लोग को डाटा को ऑन कर देना है, ठीक है। नेट रहेगा तभी यह वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं अपना फ्लाइट मोड हट जाता हूँ, उसके बाद वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक करना है, जो कि दिख रहा है आप लोग के सामने, और थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आप लोग का आल फोटो दिख जाएगा जिस पर प्रीफेड लगाए थे, वो फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपका फोटो बैकग्राउंड क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ही टाइप से क्रॉप होने के बाद आप लोग को एक बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एंड थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद सब आइकॉन आपको ऑप्शन शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइट ब्लैक ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट जितना फास्ट रहेगा उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नीचे लोडिंग ले रहा है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को जो बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वो बैकग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खूब अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा। तो मैं अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ एंड आप लोग भी सेट कर लीजिएगा। तो देखिए कितना औसम तरीके से फोटो लग रहा है। उसके बाद इस फोटो को सेव कर लेना है। तो आशा करता हूँ फोटो अच्छा एंड वीडियो अच्छा ही एडिटिंग कर लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही तगड़ा आएगा।